गुजरात के मनोनीत नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आज राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता समारोह में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से एक साल पहले पटेल को राज्य की जिम्मेदारी देना बीजेपी का बड़ा फैसला माना जा रहा है। पटेल जैसे नया नाम हर किसी के लिए चौंकाने वाला है। पश्चिम बंगाल में हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भवानीपुर में उपचुनाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल ने नामांकन दाखिल किया। प्रियंका टिब्रेवाल ने कोलकाता के अलीपुर में अपना नामांकन किया। इस दौरान भाजपा नेता और विधानसभा चुनाव में प्रतिपक्ष के नेता सुविंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा की सदस्यता लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके दादा ज्ञानी जेल सिंह की मनोकामना पूरी हुई। कांग्रेस ने उनकी वफादारी के बाद भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कहा उनके दादा चाहते थे कि वे कांग्रेस की बजाय भाजपा की राजनीति करें। इस प्रकार उन्होंने अपने दादाजी की इच्छा पूरी की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दरअसल आयको चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक टीम उनके कोलकाता स्थित कार्यालय पहुंची। बता दें इससे पहले पार्थ को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आयको चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया गया। उन पर यह कार्रवाई रेप छेड़छाड़ SC ST एक्ट के तहत हुई। गौरतलब है 16 अगस्त को आदिवासी युवती की ओर से सुनील तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे 5 पर स्थित 19 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में वाहनों की आवाजाही के लिए पुल को बंद कर दिया गया है। 4 दिनों से हो रही बारिश आमजन के लिए परेशानी बन गई है, जबकि ताजा बर्फबारी भूस्खलन से मनाली लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय शूटर नमन वीर सिंह बराड़ ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार सुबह करीब 4:45 बजे की। परिवार ने किसी पर संदेह नहीं जताया। मोटा थाना पुलिस ने मामले में धारा 174 के तहत केस दर्ज किया। 28 साल के बराड़ सेक्टर 71 में रहते थे। बराड़ टैप शूटर थे। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में लूट की कोशिश को GRP के जवानों ने नाकाम किया। GRP ने इस मामले में एक शख्स को अरेस्ट किया। यह चलती ट्रेन में मोबाइल फोन छीनकर भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान ट्रेन में तैनात 2 GRP के जवानों ने एक यात्री की सहायता से उसे पकड़ लिया। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया। होशियारपुर में एक समागम के दौरान उन्होंने कहा किसान पंजाब में आंदोलन ना करें, वो चाहे तो हरियाणा और दिल्ली में जाकर चाहे जो कुछ भी करें, अपना दबाव बनाएं, लेकिन पंजाब का माहौल ना बिगाड़ें, इससे पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
तमिलनाडु विधानसभा में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट खत्म करने का बिल सोमवार को पास हो गया। अब राज्य में MBBS BDS में एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर होंगे। भाजपा को छोड़कर तमिलनाडु की किसी भी पार्टी ने इस बिल का विरोध नहीं किया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बिल पेश होने से पहले ही विपक्षी पार्टियों से प्रस्ताव को समर्थन देने की अपील की थी। भारत के 8 दिव्यांगों ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सभी 15,632 फीट की ऊंचाई पर कुमार पोस्ट पहुंचे। इसमें भारतीय सेना के स्पेशल दस्ते के पूर्व अफसरों ने उनकी मदद की। अभियान को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नाम दिया गया। सेना के उत्तरी कमान ने जानकारी दी। दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा 1,350 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे समय की बचत के साथ प्रदूषण भी कम करेगा। 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे पर 350 किलोमीटर तक काम हो चुका है। अभी 8 लेन बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा 4 लेन और बढ़ाए जा सकेंगे। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से 2,000 सरकारी बसें नहीं चल रही। इस वजह से सवारियों को परेशानी हो रही है। हड़ताली कर्मचारियों ने रैली निकालकर जालंधर कैंट विधायक और पंजाब कांग्रेस के संगठन महासचिव परगट सिंह के घर का घेराव किया। कुछ दिनों की खामोशी के बाद पंजाब कांग्रेस में कलह फिर उभरने लगे। पहले नवजोत सिद्धू के करीबी अमरगढ़ के विधायक सुजीत धीमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब पंजाब कांग्रेस के संगठन महासचिव विधायक प्रदीप सिंह ने मुफ्त सफर स्कीम पर कैप्टन सरकार को घेरा है। कोरोना वैक्सीन में भारत हर दिन एक नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। रविवार तक देश भर में कुल वैक्सीनेशन कवरेज 74 करोड़ के पार निकल गया। अब देश में 6 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 100% पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। भारत को इसी महीने स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल का तीसरा सेट मिल जाएगा। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन समझौते के तहत स्विट्जरलैंड स्विस बैंक के भारतीय खातेदारों की जानकारी भारत सरकार को देगा। इसमें पहली बार भारतीयों के मालिकाना हक वाली अचल संपत्ति का डेटा भी शामिल होगा। राजस्थान के 719 सेक्टर में फैले ताल छापर अभयारण्य में अभी 3500 से ज्यादा काले हिरण हैं। पिछले वन्य जीव गणना के अनुसार यहां हिरणों की आबादी में 148 की बढ़ोतरी हुई। खास बात यह कि मानसून में अच्छी बारिश के कारण यहां ग्रासलैंड विकसित हो गया है, जिससे चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई है। इससे हिरणों के लिए साल भर की घास का इंतजाम भी हो गया है। हिसार साइबर थाने की पुलिस ने इंश्योरेंस पॉलिसी और लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला 35,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का है। पुलिस के मुताबिक क्यूपी से गिरफ्तार किए दोनों आरोपी झांसा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की फर्जी रसीद और फर्जी दस्तावेज अपने लैपटॉप से तैयार करके भेज देते थे।
कोरोना काल के बीच आईआईटी इंदौर से अच्छी खबर है। यहां के 26 विद्यार्थियों का जापान की अलीबाबा कही जाने वाली ई कॉमर्स कंपनी राटकेन में प्लेसमेंट हुआ। ऑनलाइन कैंपस ड्राइव के जरिए इस प्लेसमेंट में हर विद्यार्थी का सालाना पैकेज 40 लाख रुपए है। इसे आईआईटी इंदौर में कोरोना के बाद सबसे बड़ा कैंपस प्लेसमेंट माना जा रहा है। भोपाल की छात्रा शिवांगी गवांदे ने मैनेजमेंट टेस्ट के इतिहास में एक नया अध्याय रच दिया। उन्होंने दुनिया में मैनेजमेंट के सबसे बड़े और सबसे कठिनतम टेस्ट जीमीट में वर्ल्ड लेवल पर सेकंड रैंकिंग और देश में फर्स्ट रैंक हासिल की है। इस टेस्ट में शिवानी ने 800 में से 798 अंक हासिल किए। ये है बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि देश में अब तक किसी भी परीक्षा में इतने अंक किसी ने भी हासिल नहीं किए। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग विधायकों के कल्याण सिंह के लिए एक ही समिति थी, लेकिन अब इसे दो समितियों में विभाजित कर दिया गया है। एक समिति एससी एसटी का काम देखेगी तो वहीं दूसरी पिछड़ा वर्ग कल्याण का काम देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी जहां पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाएगी तो वहीं कांग्रेस इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने जा रही है। दमोह के हटा नगरपालिका की अनदेखी के चलते रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं से परेशान वार्डवासी हाथों में काले झंडे और सर पर काली पट्टी बांधकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और नगरपालिका अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्डवासियों का कहना है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। उनराना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गुनवाना पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी परते ने बताया हीरापुर से डुमलाए पहुंच मार्ग सालों से बदहाल है, जिस और प्रशासन किसी का भी ध्यान नहीं है। गाडरवारा में सांप के काटने से पिता पुत्री की मौत हो गई। मामला सालीचौका बावई खुर्द का है, जहां पिता पुत्री को सांप ने काट लिया था। दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद नरसिंहपुर के लिए रेफर कर दिया गया। नरसिंहपुर ले जाते समय दोनों की बीच रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों के शवों का खोज कराया। बैतूल के दामजीपुरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति खुर्दा ने सहयोग दिया। रक्तदान शिविर में पहली बार ग्राम प्रधान राम की 3 महिलाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। महिदपुर के तहसील कार्यालय में शासकीय चिकित्सालय की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई, जिसे लेकर गायरी समाज के लोगों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर समाज के लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। खातेगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम रतनपुर के मेन रोड पर घायल तेंदुआ मिला, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर सुरक्षा के इंतजाम किए। वहीं घायल तेंदुए को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी। तेंदुखेड़ा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में रुखवारा एवं डोबी में महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं प्राचार्य सहित अन्य लोगों ने योगदान दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खट्टी की पहल पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर छतरपुर जिले के दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए नपा के टाउन हॉल में दस्तावेजों का निरीक्षण परीक्षण करने हेतु पंजीयन करने हेतु 2 दिवसीय शिविर लगाया गया है।
महाराष्ट्र के वर्धा में पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर पलट गया। जानकारी के अनुसार इस साल मानस कंपनी का टैंकर नागपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान टैंकर रास्ते में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बस्तर के अंतर्गत आने वाले समस्त विकासखंड विकास की बाट जो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। कांकेर में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों व्यापारियों को साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बाल अपराध, महिला संबंधी अपराध, यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से बचने के साथ ही नशा मुक्ति के बारे में भी जानकारी दी गई। बेमित्रा में राजीव खेल प्रतिभा सम्मान समारोह और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप मिस्टर छत्तीसगढ़ 2021 का आयोजन किया गया। दुर्ग रोड टाउन हॉल में चैंपियनशिप का आयोजन जिला कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल ने कराया, जिसमें प्रदेश भर के बॉडी बिल्डर 150 से 200 प्रतिभागी शामिल हुए। धमतरी के ग्राम पुसैरा गाँव में एक पीड़ित परिवार न्याय के लिए कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्हें इच्छा मृत्यु के लिए बात होना पड़ेगा। दरअसल मामला ये है कि पुसैरा गांव में कुछ समय पहले नरकंकाल मिला। गांव की महिला का कहना, कंकाल उसके पति भागीरथ का और उसकी हत्या की। धमतरी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड में प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, जिसको लेकर शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों ने डिप्टी कलेक्ट्रेट को आवेदन देकर प्रभारी प्राचार्य को तत्काल रूप से हटाने की मांग की। बता दें, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों पर आरोप है प्रभारी प्राचार्य द्वारा स्कूल स्टाफ और बच्चों के अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। गरियाबंद मेछुरा ब्लॉक मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खरखड़ा के हेल्थ वेलनेस सेंटर में एक सप्ताह से ताला लटका है, जिसकी वजह से प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरपंच ने डीएमओ को आवेदन दिया और सेंटर पर जल्द नर्स और स्टाफ भेजने की मांग की। राजनांदगांव में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने चिखली चौकी क्षेत्र के गांव में 20 अगस्त 2020 को घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने 3.5 साल की बच्ची को चॉकलेट देकर बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। यूपी में बीजेपी सरकार होने के बाद भी पार्टी नेता निचले स्तर पर फैल रहे भारी भ्रष्टाचार से परेशान है। लखीमपुर में तो एक बीजेपी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ मोबाइल टावर पर चढ़ गए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान बीजेपी नेता ने खीरी नगर पंचायत के ईओ और पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार करने की गंभीर आरोप लगाए। कानपुर जिले में मिर्जापुर की महिला ने टीएसआई पर दुष्कर्म करने का और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उत्पीड़न से परेशान टीएसआई की भतीजी ने गंगा में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद नाविकों और गोताखोरों ने महिला को बचा लिया। आरोप है टीएसआई गिरजा शंकर तिवारी ने भतीजी का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने नगीना में पुलिस बल के साथ मिलकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान यूपी सरकार द्वारा चलाए जा रहे नारी सुरक्षा अभियान के तीसरे दिन बालिकाओं महिलाओं को जागरूक किया, साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी सभी लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। विकी कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार उधम सिंह को लेकर सुर्खियों में। अब डायरेक्टर सुजीत सरकार इस फिल्म को दशहरा के मौके पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही मेकर्स इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज करेंगे। अमिताभ बच्चन इन दिनों डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की अपकमिंग फिल्म ऊंचाई को लेकर चर्चा में है। बिग बी इस फिल्म में डैनी और सारिका की भी एंट्री हो गई है। बता दें, अमिताभ के अलावा परिणीति चोपड़ा, अनुपम खेर, बुमन ईरानी और नीना गुप्ता भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। वहीं फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से नेपाल में शुरू होगी।
अजय देवगन इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स की शूटिंग के लिए तैयार हैं। अजय जल्द ही होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ मालदीव में शो का एक एडवेंचर एपिसोड शूट करने वाले हैं। इसके लिए अजय मालदीव रवाना हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या ये दोनों समंदर के अंदर एपिसोड शूट करेंगे या फिर बाहर। साउथ सिनेमा स्टार रामचरण ने एक और शानदार कार मर्सिडीज में बैक GLS खरीद ली है। यह इस मॉडल में इंडिया में पहला कस्टमाइज वर्जन है जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। रामचरण के पास एक सुपर कार कलेक्शन है जिसमें एस्टन मार्टिन V8 वेंटेज रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी आदि शामिल है। बॉलीवुड अभिनेत्री मलिका शेरावत लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। अब जल्द ही अपनी नई वेब सीरीज नकाब में नजर आने वाली हैं। मलिका शेरावत उन अभिनेत्रियों में से एक रहीं जो हमेशा से अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी ढेर सारे खुलासे करती रहती हैं। मलिका ने बताया एक्टर बनने के लिए झूलरी चुराई थी। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3 शतक जमाने वाले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ICC ने अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। रूट ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड अपने नाम किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला भारतीय कैंप में कोरोना आउटब्रेक के कारण नहीं खेला जा सका। बताया जा रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंग्लैंड एंड वेलनेस क्रिकेट बोर्ड इस मैच को अगले साल आयोजित करने पर बात कर रहे हैं। अब इस मसले पर BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली का बड़ा बयान आया है। T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ही लिमिटेड ओवर के कैप्टन रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 वर्ल्ड के बाद विराट की लिमिटेड ओवर की कप्तानी छोड़ने की खबर से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने बताया विराट की T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने की खबर में कोई सच्चाई नहीं। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाने से काफ़ी ज़्यादा निराश दिखे। रविवार देर रात को US ओपन में मेन सिंगल फाइनल में जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा। जोकोविच इस हार से बहुत गुस्से में आ गए। वे गुस्से में रैकेट को तब तक कोर्ट पर पटकते रहे जब तक पूरी तरह टूट नहीं गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।